कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं हो लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हो ना, कि वो फिर फ्राई करें तो वो करने में प्रॉब्लम हो। रेसिपी कैसी लग रही है आपको, पसंद आ रही है चीजें देखने के बाद? अच्छा, ये मैंने अभी इतने जो है वो आलू काटे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर और जो है आलू को काटते हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ी देर पानी में सोख करके रख दी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि आलू की जो है थोड़ी सॉफ्टी हो जाए, नहीं तो ठीक है नहीं। अच्छा वैसे यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी सीनियर भी हैं, माशाल्लाह मेरी अम्मी की एज की होंगी, कुछ बड़ी है, माशाल्लाह वो एक्सपर्टीज रखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कुछ सीखा हुआ है या पुराने, वैसे क्या जाता है ना कि यार ये तो पुराने दौर की है, उसको क्या पता कि आज की जनरेशन क्या कर रही है। तो ये भी यंग जनरेशन जो है बहुत कंप्लेन कर रही होती है, लेकिन जो इनके पास टैलेंट, जो इनके पास एक्सपीरियंस है ना, वो हमें से किसी के पास भी नहीं है पढ़ने के बाद। इसको मैंने गोल्डन कलर दे दिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा हमने ब्रैकेट के दौर में नहीं, लेकिन आप देख रहे हो स्लाइडली कुछ पे गोल्डन आया है कुछ पे नहीं है, तो ये इस तरह से, ठीक है? अब इसी के अंदर हम जो है गाजर को भी फ्राई करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बटर मैं और ऐड करूँगी और फिर मैं इसके अंदर जो है वो गाजर डाल दूँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी जो माँ भी सीखी हुई चीज़ें होती हैं और लाइफ टाइम आपको जो है वो याद रहती है, और हमारी माँ ने जो हमें सिखाया है वो मेजरिंग जो है हम ये वो हाथों से डाल देते हैं, ठीक है? अब उनको सिखाने के लिए मुझे उनकी बहुत ट्रिक काम आई कि वो जो हाथों से डालती थी टी स्पून टेबल स्पून, हम लोग इसी तरीके से जो है वो मेजर कर रहे होते थे कि टी स्पून, हाँ मैं उनको सिखा रही हूँ, अब जैसे मतलब लाइन वो क्या देखेंगे, वो तो देखे नहीं सकते, उनको क्या पता कि टी स्पून कौन सा है वो कैसा है। उनको जो मैंने सिखाया और अलहमदिल्ला जो उन्होंने सीखा है, अब जो वो रेसिपी बना रहे होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मसाले की मीडियम होती है। तो ये सब मैं आप लोगों को भी दूंगी कि अगर हमारे पास स्पून नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो चम्मच की मोहताज है, लेकिन पहले वाली एंजन जो होगी वो इस बात से अभी करती होगी कि वो हाथ से जो डालते हैं उनका जायका ही अलग होता है और उसकी परस्पेक्टिव भी अलग होती है। जो आजकल ये टेबल करते हैं आधा घंटा तो उनको मिलने में लग जाता है कि अगर हाफ के जी की रेसिपी को हम अगर एक के जी में कन्वर्ट करें तो वो मिलने में घिना ही होती है, ठीक है? तो ये टेबल स्पून हम करेंगे तो हाथ से डाले हुए मसाले हमेशा परफेक्ट जाते हैं। अच्छा, ये जी जायका भी उसी में है, हाथ से डाल रहे थे मशीनरी दौर में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो हाँ, बस यही सारी चीज़ें जो है वो कर रही है। अच्छा, मैं आपको देखिए एक ट्रिक है, आपकी जो ये थ्री फ्लेट थंब और दो फिंगर, इसको जब आप उठाओगे किसी भी मसाले में वो आपका टी स्पून बन जाता है। अगर आप मेरे यहाँ पर मैं सॉल्ट की भी करवाऊँ, अब आप ये करेंगे, इसकी क्वांटिटी देखिएगा जो मैं यहाँ रखूँगी, ये टी स्पून की आती है। अगर स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी पूरा भर के नहीं किया हमने, सिर्फ ये क्या ही थी। अगर हमें टेबल स्पून चाहिए तो हम पाँच